brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. I'm superhuman. यहाँ पर कहीं ना कहीं एक रोष दिखाई देता है श्रुति चौधरी की टिकट कटने से। क्या लगता है कि रावदान सिंह के साथ जो बंसीलाल समर्थक है या कांग्रेस समर्थक वो जा पाएंगे? क्या लगता है रावदान सिंह जीत पाएंगे या फिर मार्जिन की लड़ाई होगी? कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भिवानी की चौधर चली जाएगी, अगर दान सिंह जीतते तो महेंद्रगढ़ की साइड चली जाएगी, वो चौधर फिर लौट कर कभी नहीं आएगी। 24 के रण में अगर बात करें भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र की, तो आज कांग्रेस प्रत्याशी रावदान सिंह अपने ऑफिस का कार्यालय का जो है उद्घाटन करने वाले। और खास बात ये है कि यहाँ पर जो है रावदान सिंह के साथ अनिरुद्ध चौधरी जो बंसीलाल के पोते हैं और जो पुत्र वधु है किरण चौधरी, उनके पहुंचने की उम्मीद है। फिलहाल अनिरुद्ध चौधरी यहाँ पर पहुंच चुके हैं, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। आखिरकार जो है भिवानी की राजनीति जो गरमाई हुई है उस बारे में उनकी क्या सोच है, और इसके साथ ही जो है दान सिंह की जो जीत के लिए कितने आश्वास है और कितनी वो मदद करेंगे। सबसे पहले अनिरुद्ध जी से बात करते हैं। अनिरुद्ध जी, क्या मानते हैं कि आज किस प्रकार से भिवानी की राजनीति नया रंग लेने वाली है? इसमें ऐसा है कि ये हमें आज हम इस चीज को ध्यान रखना है कि ये कांग्रेस पार्टी के चुनाव प्रचार के तौर पर उसके अंतर्गत यहाँ पर राव दान सिंह जी का तोशाम का चुनाव कार्यालय खुल रहा है, और आप जितना जनता का हुजूम देख रहे हो इससे ये बात साबित हो जाती है कि तोशाम हलके से राव दान सिंह जी को भारी समर्थन मिल रहा है। बीजेपी भी जीत का दावा कर रही है और कह रही है कि बड़े बड़े दावे कर रही है, 370 हटा दी, राम मंदिर बना दिया, देश को मजबूत बना दिया। क्या मानते हैं इन सभी दावों के बीच कांग्रेस अपना जलवा दिखा पाएगी? जय जवान जय किसान, जो किसानों का जो समर्थन है इस समय एक तरफा कांग्रेस के पक्ष में है, और ये इसलिए है कि किसानों की, ग्रामीण इलाके की, सरपंचों की, सबकी अनदेखी करी गई है, और जितना विकास कार्य इस इलाके में होना चाहिए था वो नहीं हो रहा। इस कारण ये भारी रोष है जिस तरह की सब बता रहे हैं, ये जनता वर्सेस बीजेपी का चुनाव बन गया है। बात करें भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा की, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक रोष दिखाई देता है श्रुति चौधरी की टिकट कटने से। क्या लगता है कि रावदान सिंह के साथ जो बंसीलाल समर्थक है या कांग्रेस समर्थक वो जा पाएंगे? जो बंसीलाल जी के समर्थक है, मेरे दादाजी के जो समर्थक है और कांग्रेस पार्टी के समर्थक है, वो एकजुट होकर कांग्रेस पार्टी को विजयी बनाएंगे, ये इस बात में अब कोई शक नहीं है किसी को भी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के अंदर चौधरी बंसीलाल जी का परिवार मजबूती से खड़ा है और मजबूती से कांग्रेस उम्मीदवार को जिताएंगे। क्या लगता है रावदान सिंह, क्या जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं लगातार 2 बार से जीते हैं, पहले 1.5 लाख से, फिर 4.5 लाख से, उस मार्जिन को कैसे तोड़ पाएंगे? कितनी कितना उनके लिए मुश्किल हो गई? देखो, सब वक्त की बात है, वक्त कभी ऐसा भी होता है कोई एक मजबूत होता है, वक्त बदलता है तो दूसरे पे मजबूती पकड़ लेता है, तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो आज जमीन के माहौल के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, मैं महेंद्रगढ़ जिला छोड़ो, मैं दादरी और भिवानी जिले की बात करता हूँ, यहाँ पर एक तरफा कांग्रेस का माहौल बन चुका है। क्या लगता है रावदान सिंह जीत पाएंगे या फिर मार्जिन की लड़ाई होगी? जीत रावदान सिंह जी जीते और मार्जिन की लड़ाई होगी, कि कितने से जीतते हैं? कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भिवानी की चौधर चली जाएगी, अगर दान सिंह जीतते तो महेंद्रगढ़ की साइड चली जाएगी, वो चौधर फिर लौट कर कभी नहीं आएगी। हम सारे बैठे हैं, भिवानी की चौधर भिवानी में रहेगी।